सो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 9:7। ओके, वॉकिंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ सडन वॉक 5 1/4 days। ओके, ए अलोन कितना पार्ट करता है, 3/7 पार्ट करता है, और बी जो रिमेनिंग पार्ट करेगा वो कितना में, दोनों मिला के कितना दिन में कंप्लीट करेगा बोल रहा है। तो ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं अभी। तो एफिशिएंसी दिया हम लोग का, ए और बी का एफिशिएंसी दिया हम लोग का, एफिशिएंसी दिया है कितना दिया है, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू बी जो दिया है कितना दिया हम लोग का, 9:7 ये जो एफिशिएंसी दिया है। ओके, तो अब हम लोगों को क्या बोला है, दे कैन कंप्लीट सडन वॉक 5 1/4 days। तो वो दोनों मिला के 5 1/4 days में कंप्लीट करता है, मतलब करता है, तो दोनों मिला के। ओके, एफिशिएंसी इतना दिया है तब कितना में कंप्लीट करता है, तो चलिए निकालते हैं कितना है, 5 1/4। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 by 20, 21/4। ओके, तो ये 21/4 कितना है, दोनों का एफिशिएंसी है, तो 9+7। ओके, ये कहाँ से आया आपको पता चल गया, यहाँ से आया 9+7, दोनों का एफिशिएंसी प्लस किया और आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया आपका 21/4 इंटू ये वो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 1 4, 4 4 16, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, तो दोनों मिला के इतना काम करता है। ओके, इतना वर्क करता है। अब बोला है क्वेश्चन में, अगर ए 3/7 पार्ट को कंप्लीट करता है तो बी कितना में करेगा, तो दोनों मिला के कितना डेज लगेगा, टाइम कितना लगेगा बोल रहा है। तो चलिए करते हैं, पहले ए कर दें, ए का कितना है, ए कितना करता है मतलब 84। ओके, 84 कर, सॉरी पहले यहाँ से समझा देता हूँ आपको, ये कितना करता है, 3/7 पार्ट बोल रहा है, वो जो वर्क कितना आया हम लोग का 84, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 1 7, 7 2 40, तो आ जाएगा ये 36। ये 36 जो आया ये किससे, एक एफिशिएंसी कितना दिया है, 9, तो 9 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना डेज में कंप्लीट करता है, 4 डेज, ये का आ गया, ए का नंबर ऑफ डेज आ गया। अब उसी तरह हम लोग बी का फाइंड करते हैं, तो बी का कितना हो जाएगा, अगर ए 3/7 पार्ट करता है तो बी के लिए कितना बचेगा, 4/7 पार्ट, किस में, 84 वर्ड के लिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जा 2 जा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, सो 48 आ जाएगा। कि बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अगर ये 7 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 6/7। तो अब बोला है दोनों का मिला के कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा दोनों को मिला के, तो ये आ गया 4, ये आ गया 6 1/7, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6+4 कितना हो जाएगा हम लोग का, 10, और ये हम लोग का आएगा 6/7, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डेज आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।